बुद्ध विष्णु के अवतार हैं या फिर बुद्ध को ही विष्णु बना दिया गया? असल में भारत का इतिहास पूरी तरीके से एक भ्रम का पुलिंदा है। भारत के मूल निवासियों को निरंतर मूर्ख और बेवकूफ बनाया गया। झूठी किताबें, झूठे वेद, झूठे पुराण, झूठे रामायण, झूठे महाभारत की रचनाओं को करके 8वीं सदी में और 12वीं सदी के लगभग तक इन लोगों ने विष्णु को उत्पन्न किया। विष्णु को उत्पन्न करने का मुख्य कारण ये था कि बोधिसत्व अवलोकतेश्वर की मूर्तियां भारत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती थीं, और साथ ही बुद्ध की वो मूर्तियां जिसमें बुद्ध के ऊपर से और पीछे से नाग राजाओं का प्रतीक चिन्ह बना होता था। सो इन लोगों ने विष्णु नाम का एक नया किरदार उत्पन्न किया 8वीं और 12वीं शताब्दी में। तो सच और जानने वाली बात ये है कि अवलोकतेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को कब्जाने के लिए, हड़पने के लिए या अपने नए संप्रदाय में शामिल करने के लिए बुद्ध और अवलोकतेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को ही इन लोगों ने विष्णु का अवतार बना दिया, विष्णु बना दिया, और साथ ही यह गढ़ दिया रामायण में, रामचरितमानस में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध और बुद्ध अनुयायियों को चोर के समान दंडित करना चाहिए। मुझे यह जब मुझे पता चला पहली बार तो मैं बिल्कुल अवाक सा रह गया कि क्या किसी धर्म ग्रंथ में यह लिखना उचित होता है, या यह किस तरह का धर्म ग्रंथ है जिसमें बुद्ध को चोर लिखा गया है और बुद्ध के अनुयायियों को भी चोर लिखा गया है, और यह भी लिखा गया है कि बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों को चोर की प्रकार राजा दंड दे, और एक तरफ यह मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। असल में इनको माल जहां से खाने के लिए मिल जाए यह खाने के लिए तैयार होते हैं। सच कहा जाए तो भारत का इतिहास दोबारा लिखने की जरूरत है, प्रमाणों के साथ और साक्ष्यों के साथ लिखने की जरूरत है। इन लोगों ने भारत के इतिहास को पूरी तरीके से रौंदा है, पूरी तरीके से परिवर्तित किया है और अपने अनुसार भारत के इतिहास को लिखा है, अपने अनुसार भारत के इतिहास को भारत के मूल निवासियों पर थोपा है। अब समय आ गया है कि भारत के इतिहास को पुनः लिखा जाए और पुनः भारत की उस मूल विरासत को, उस समर संस्कृति, उस बौद्ध विरासतों को सामने लाया जाए जो भारत की असल पहचान है। अब तक जो इन्होंने किया सो किया। 8वीं शताब्दी से भारत की मूल विरासत, समर संस्कृति और बौद्ध विरासतों को इन पाखंडियों ने कब्जा लिया और एक नया संप्रदाय बनाकर भारत के भोले भाले मूल निवासियों को लूटना शुरू कर दिया। अब समय आ गया है कि भारत के मूल निवासी यह समझने के लिए तैयार हों और यह जानें कि असल में उनके पूर्वजों के साथ हुआ क्या है और असल में भारत का असल इतिहास क्या है। वह भारत के गुलाम नहीं हैं जो आज गुलामों जैसी स्थिति इन लोगों ने बना रखी है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, उस बौद्ध संस्कृति की रक्षा के लिए मुझसे जो बन पा रहा है मैं कर रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, जो अभी मैं बोल रहा था इसको अगर आप प्रमाणों के साथ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस विषय पर पूरा विश्लेषण और पूरी तरीके से सबूतों के साथ और एक न्यूज रिपोर्ट बनाई गई है। चैनल पे जो अन्य वीडियोस लगे हैं आप जाकर जरूर देखिएगा, आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि असल में क्या खेल खेला गया है, इस देश के साथ क्या खेल खेला गया है, भारत के मूल निवासियों के साथ। तो निवेदन है
कि इस चैनल पे लगे हुए अन्य वीडियोज को जरूर देखिएगा।